शुभ शगुन 23 अगस्त सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। दुनिया की हर एक चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन इरादों में कामयाबी ठोकर खाने से ही मिलती है। कोई फायदा नहीं है यक। आप देखिएगा, मैं हार नहीं मानता और अपने ताई के गुनेगारों को सजा दिलवाकर ही रहूंगा, और ये भी साबित करके रहूंगा कि वो लड़की प्रीति नहीं है, मेरी ताई है। कौन तुसी? मैं आपको नहीं जानती, मेरा रास्ता छोड़िए। कौन शुभ सर? मैं किसी शुभ सर को नहीं जानती हूँ। अजीब अजीब जबरदस्ती है, मैं नहीं जानती हूँ आपको। प्रीति का पति हूं मैं। यानी कि घर वाला तो शगुन नहीं है, प्रीति है। प्रीति ना है उसका, करण की प्रीति। आपको याद है जब मैं बचपन में उदास हुआ करती थी, तब आप मुझे इसी तरह मनाया करते थे। आज जब आप उदास हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको मनाऊं। भैया, बस आपको देख नहीं सकती मैं ऐसे। आपने मुझसे एक बार कहा था, नव्या दुख बांटने से पट जाया करता है। नव्या, आज मैं आपसे कहती हूँ, दुख बांटने से बट जाया करता है। भैया, मैं आपकी बहन हूँ, मुझसे अपना दर्द बांटिए। जिंदगी पता नहीं क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं कर्ज गया था, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सब सच कैसे हो सकता है। इस दुनिया में एक जैसे देखने वाले इंसान कैसे हो सकते हैं? मुझे पूरा भरोसा था कि वो मेरी शगुन है, लेकिन जब मैंने उसके छोटे से बच्चे को उसे मां कह के पुकारते देखा, उसके भरे पूरे परिवार को देखा, उसके उसके पति को देखा, तो मेरा भरोसा टूट गया। मेरा ये भरोसा सच क्यों नहीं हो सकता नव्या? वो मेरी शगुन क्यों नहीं हो सकती? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। एक उम्मीद की किरण थी, एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आई थी, इससे वो भी मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं होगा, वो मुझे कभी दिखाई नहीं देगी, कभी मेरे सामने नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा भैया, आप आइए मुझसे बात कीजिए, आइए मेरे साथ, आइए आइए आराम से बैठिए यहाँ पर। मैं जानती हूँ शगुन जितने आपके करीब है उससे बिछड़ने का काम उतना ही बड़ा है आपके लिए, पर भैया शायद आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसने और उसके परिवार की वजह से हमने क्या कुछ नहीं सहा है। आज तक हमने शगुन का सिर्फ खुदगर्ज रूप देखा है भैया। आप मेरा सोचिए, मैंने युग से प्यार किया था, उससे शादी की, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने भैया। मैं चौल में जाकर रहने लगी, हर वो चीज की जो वो चाहता था मैं उसके लिए करूं,
पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली मुझे भैया। और आज वो मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करता रहा आपके सामने। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे कभी लेने आएगा भी या नहीं। मैं जानती हूँ मेरी तकलीफें आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे सीखा है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए जिंदगी में। जो हो गया उसे जाने देते हैं, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए भैया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। मैं घास चरने गया है कि तूने सोशल मीडिया पे अपनी और शगुन की फोटो पोस्ट कर दी। जानता है इससे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है तू। उसका ये आशिक शुभ पूरी दुनिया एक कर देगा प्रूफ करने के लिए कि वो लड़की शगुन ही है। अगली बार तूने ऐसा कोई ड्रामा किया ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गया तू? भाई साहब, थोड़ी खरी खोटी सुनने के भी पैसे दिए क्या मैंने? नहीं ना, तो नेक्स्ट टाइम मेरे नाल तमीज से बात करना। वो कुड़ी खरीदी है मैंने पूरी कीमत चुका के। तो मेरा जैसा मन करेगा ना वैसा मैं करूंगा। अपनी ये कहानी है ना, नेक्स्ट टाइम से मुझे ना सुनाई। तुम इन सरप्रेलों को नहीं जानते। प्यार, परिवार, अपनापन के नाम से ये लोग सांप की तरह लोगों को डसते हैं। बहुत लंबे फंसोगे तुम इसमें, समझे तुम? वो सांप है तो 80 नेवले है। तो अपने काम से मतलब रखो। मैनू ना सिखाई। बहुत पछताओगे तुम, बहुत। मैनू थोड़ी फिक्र हो रही है। अपने डर पे काबू पाओ भाई साहब। मैनू ज्ञान देते देते कहीं खुद ना फंस जाई। एक गल होर, वो कुड़ी मेरी है अब, इसलिए मेरे रास्ते में आने की जरूरत ना करी। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, हर पाप का एक पाप होता है।